बिग बॉस सीजन 17 में चल रहे गेम से इस एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, मुनव्वर फारूकी से हुई आखिर क्यों नाराज़, अंकिता को लेकर किया ऐसा बड़ा खुलासा जिसको सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे शॉक। तो उस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। टेलीविजन की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अर्षिता धवन बिग बॉस की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, बिग बॉस को लंबे समय से फॉलो कर रही हैं, लेकिन अब अर्षिता धवन ने कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिसके बाद लोगों के होश उड़ गए हैं। मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे को लेकर, ऐश्वर्या शर्मा को लेकर, अर्षिता धवन वैसे तो टेलीविजन में एक बड़ा नाम है और कई सारे शोज में काम कर चुकी हैं। अर्षिता ने कहा कि इस साल का सीजन मैं एंजॉय कर रही हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साल मैंने मुनव्वर को सपोर्ट किया था, मुझे लग रहा था कि मुनव्वर काफ़ी अच्छा गेम प्ले कर रहा है, एक मास्टर स्टॉक गेम खेल रहा है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विथ मुनव्वर। मुझे लगता है कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं मुनव्वर को नहीं पहचान पाई जब मुनव्वर के लिए ये सारी बातें की जा रही थी, आयशा को लेकर, नाजिला को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा था, तब मैं सबसे पहले खड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मुनव्वर से। जब मैंने देखा कि मुनव्वर ने अपने रिश्ते बदल लिए, दूसरे ही दिन वो आयशा के साथ बातें कर रहा है, आयशा की जी हुजूरी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मुनव्वर फेक है, सबसे बड़ा फेक है इस घर में तो मुनव्वर है। अंकिता को लेकर आशिता ने कहा कि अंकिता बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही है, मुझे लग रहा है कि वो डिजर्विंग विनर है, शी डिजर्व टू विन सीजन। और ये कहा है अर्षिता धवन ने। इवन ऐश्वर्या शर्मा को लेकर भी अर्षिता ने कहा कि मुझे लगता है कि ये वो वक्त नहीं था जब ऐश्वर्या को इस घर से निकालना चाहिए था, ऐश्वर्या अच्छा कंटेंट दे रही थी। नील और ऐश्वर्या का रिश्ता मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ऐश्वर्या शर्मा अंकिता से लड़कर ज़रूर लाइमलाइट ले रही थी, क्लाउड चेसिंग कर रही थी। ऐश्वर्या शर्मा जो है वो अंकिता के नाम पर ही तो शो में नज़र आ रही थी, अंकिता को बेस्ट प्लेयर बता दिया है। आशिता ने कहा कि मैं बहुत खुश होंगी अगर मुनव्वर नहीं अंकिता लोखंडे से शो को जीते, क्योंकि अंकिता को पता है कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किसको जवाब देना है, किसको नहीं जवाब देना है, वुमन कार्ड नहीं खेलना है, बहुत सारी चीज़ें अंकिता जो खेल रही हैं। इट वॉज अ ब्रिलियंट स्टेप बाय अंकिता लोखंडे। अर्षिता धवन तो अंकिता की फ़ैन हो गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे घर वालों की भी लगा दी हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन अर्षिता धवन के इस बयान पे, आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।